सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर हमने लास्ट टाइम पीएन जंक्शन किया, हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की, हमने बायसिंग के बाद रेक्टिफायर किया, रेक्टिफायर के बाद हमने फिल्टर किए, उसके बाद फिर हमने जीनर डायोड सीखा और नॉर्मल डायोड भी सीखा। हमने ये देखा कि दो डायोड्स हैं, एक आपका नॉर्मल डायोड है जिसका ये सिंबल है जिसमें ये पी है और एन है, एक आपका स्पेशल मेड डायोड है ये उसका सिंबल है, ये नॉर्मल पी एन डायोड है ये आपका सिंबल जीनर डायोड है, जीनर डायोड है। नॉर्मल डायोड की बाइसिंग या सॉरी नॉर्मल डायोड की जो डोपिंग है वो लो रखते हैं, जीनर डायोड में जो डोपिंग है वो हाई होती है। लास्ट टाइम इसकी वर्किंग हमने डिस्कस की कि जीनर डायोड में जब हम रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक ऐसी वोल्टेज आती है जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन स्टेज में आ जाता है और करंट को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसमें माइन्यूटी करंट माइन्यूटी कैरियर्स बहुत लार्ज अमाउंट में पैदा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वोल्टेज, जिससे कि करंट क्या होता है जंक्शन के थ्रू पास करता है और जिससे क्या होता है जिससे कि ये ब्रेकडाउन स्टेट में आ जाता है, उस ब्रेकडाउन को जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ऐसा ही इसमें भी होता है, आप जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो रिवर्स बायसिंग के अंदर आप इसमें जब जंक्शन के अक्रॉस सेंट या जंक्शन के अक्रॉस रिवर्स बायसिंग में माइन्यूटी कैरियर जाते हैं, आप जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस केस में इसके अक्रॉस माइन्यूटी कैरियर जब वोल्टेज बढ़ेगी तो बॉन्ड टूट जाएंगे बहुत सारे जो टूटे नहीं चाहिए, ब्रेकडाउन बोलते हैं, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उस ब्रेकडाउन को नॉर्मल ब्रेकडाउन बोलते हैं, जीनर में जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, नॉर्मल में नॉर्मल ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी इसका जो ब्रेकडाउन है वो थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि इसकी अमाउंट ऑफ डोपिंग हाई होती है तो अंदर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, हमने डिस्कस किया था, जो कि हेल्प करता है और ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स को मूव करने के लिए। इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती है, जिस वजह से क्या होता है इसका ब्रेकडाउन थोड़ा सा लेट होता है, ये हमने डिस्कस किया। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि एक और टाइप का ब्रेकडाउन होता है जिसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो कि नॉर्मल डायोड है उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, आपने रिवर्स वोल्टेज को कम रखा था, माइनॉरिटी कैरियर मूव करते थे, माइनॉरिटी कैरियर जब मूव करते हैं तो जाते जाते सिलिकॉन का जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिट कर जाते हैं, नॉकआउट कर जाते हैं और वो एनर्जी लेके दोनों मूव करते हैं। जब एनर्जी लेके दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जाते जाते और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर जाते हैं उसके वैलेंस शेल में से, ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे जो है जंक्शन के अक्रॉस और करंट लार्ज अमाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया, पर ऐसा होने का जो चांस है थोड़ा सा कम रहता है। ये लो बायसिंग के अंदर काम करता है और जीनर ब्रेकडाउन हाई बायसिंग जो हाई डोपिंग के अंदर काम करता है, दोनों करते रिवर्स बायसिंग में काम है। नेक्स्ट जो है इसमें ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है करंट और वोल्ट के, कभी भी नोट कर लेना जो करेक्टरिस्टिक्स है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आई वी करेक्टरिस्टिक्स है, वाई एक्सिस में आई होगा और एक्स एक्सिस में वी होगा, तो आई वी करेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर ये आपके पास ये जीनर ब्रेकडाउन है, जीनर ब्रेकडाउन है और ये नॉर्मल एवलांच ब्रेकडाउन है और इस तरीके से करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग आफ्टर ब्रेकडाउन, ठीक। फिर हमने किया जंक्शन डायोड्स। अब जंक्शन डायोड्स के अंदर हमने ये देखा कि जो नॉर्मल पीएन डायोड है हमने क्यों डिजाइन किया, ताकि हम एक मशीन बना सकें या एक डिवाइस बना सकें जिसका नाम था रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, काम की चीज है। फिर और भी मशीन्स या फिर और भी डिवाइसेस हैं जो फॉर्मुलेट की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट डायोड से। हमने जीनर डायोड पढ़ा, हमने कहा कि इसमें अमाउंट ऑफ डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में ये कहां काम आएगा, एक डिवाइस बनाने के काम आएगा
और वो है वोल्टेज रेगुलेटर। नॉर्मल डायोड तो रेक्टिफायर बनाने के काम आ ही रहा है, ये जो जीनर डायोड है ये वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के काम आएगा। राइट, क्लियर है यहां तक? वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, मैं यूज बताने जा रहा हूं कि जीनर ब्रेकडाउन हमने क्यों पढ़ा। मैं बताने जा रहा हूं कि जीनर डायोड किस काम का है। पीएन डायोड तो रेक्टिफायर बनाने के काम आ रहा है, जीनर डायोड किस काम का है, मैं ये आपको आंसर देने जा रहा हूं। ठीक, तो जीनर डायोड क्या काम आता है ये करने जा रहे हैं। ये तो रेक्टिफायर बनाने के काम आता है, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के काम आता है। जैसे आपके पास एक चार्जर है ना, एक चार्जर है, आपने मोबाइल फोन को चार्ज करना है। मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन है कि मोबाइल फोन लेट अस सपोज 6 वोल्ट DC पे चार्ज होता है। अगर वो 6.5 वोल्ट आपने कर दिया लेट अस सपोज, तो हो सकता है उसका चिप के जो सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं टूट जाएं और वो खराब हो जाए। तो 0.5 वोल्ट भी ज्यादा नहीं हो सकता, इतनी एक्यूरेसी के साथ काम करना है। तो चार्जर एक कांस्टेंट सप्लाई देगा जो है मोबाइल फोन को, वो कैसे देगा आज डिस्कस करेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है। आपको के वोल्टेज रेगुलेट करने की जरूरत क्या है, आप बेसिकली एक ट्रांसफार्मर लगाओ ना, पीछे से AC 220 आ रहा है, 6 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओ, 6 वोल्ट बन गया DC, 6 वोल्ट बन गया AC, फिर आप रेक्टिफायर बना लो, रेक्टिफायर 6 वोल्ट AC को 6 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगा, बात होगी खत्म, और सीधा उसको मोबाइल फोन में चार्जिंग करवा दो। अब प्रॉब्लम यह है कि AC जो पीछे से आ रहा है वो हम बोलते 220 वोल्ट है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट आता है। अब जब AC फ्लक्चुएटिंग आएगा, कभी ज्यादा कभी कम, तो उससे कि DC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कभी ज्यादा कभी कम। इतने में तो आपका मोबाइल फोन उड़ जाएगा। इसका मतलब हमें चार्जर की जरूरत है, और चार्जर में एक ऐसी डिवाइस लगाने की जरूरत है, अगर पीछे से 6 की जगह 6.5 वोल्ट भी आता है तो उसको वो आउटपुट 6 वोल्ट ही दे। अगर 8 वोल्ट आ जाता है बाई चांस तो वो भी 6 वोल्ट दे। अगर मान लो 6.1 वोल्ट आता है तो वो भी 6 वोल्ट ही दे, तभी आपके फोन काम कर पाएंगे। तो यानी कि आपको एक ट्रस्टेड डिवाइस चाहिए जो हर हालत में एक ही वोल्टेज दे, चाहे पीछे से कुछ भी फ्लक्चुएटिंग आए। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये काम जीनर डायोड करेगा। तो आपके फोन के चार्जर में जीनर डायोड लगा के दिया जाएगा। अब देखो कैसे काम करेगा जीनर डायोड। जीनर डायोड की वर्किंग से पहले आप एक नॉर्मल वर्किंग की बात करते हैं। सपोज करो आपके पास एक टैंक है, टैंक में एक टैप लगा हुआ है और जो पानी की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली देता जा रहा है, रुकेगा नहीं, और लेट अस सपोज टैंक भरता जा रहा है, ऑब्वियसली ओवरफ्लो करेगा। तो मैंने क्या किया, एक पाइप लगाई और ये पाइप मैंने यहां पे लगा दी। ठीक, एक पाइप मैंने यहां पे लगा दी। मैं ये चाहता हूं कि ठीक है पानी आए, लिक्विड आए, और वो लिक्विड यहां तक रहे, बस मैं चाहता हूं लिक्विड इसके ऊपर ना जाए। पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि पानी पीछे सप्लाई देता जा रहा है, तो पानी भरता जा रहा है। ऑब्वियसली यहां से पाइप में अगर मान लो वाटर ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होने का चांस रहेगा। राइट, क्लोज कर देते हैं टैंक को, नहीं तो ऐसे ताकि पानी बाहर ना आए, तो ओवरफ्लो हो सकता है, हो क्या सकता है, पानी अगर रोकोगे नहीं तो होगा ही होगा। पर मैं चाहता हूं कि इससे ऊपर ना जाए, पानी की सप्लाई में बंद नहीं करना चाहता। तो किसी ने सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, एक पाइप और लगा लो यहां पे, ये लो, बिल्कुल इसी लेवल का जहां आप चाहते हो, सेम लेवल का। ठीक, तो जब ये पानी यहां से इनपुट आएगा तो ऑब्वियसली लिक्विड तो यहां भी जाएगा, ये रहा। पर क्योंकि इसकी पाइप, क्योंकि ये ग्रेविटी का रूल है ऑब्वियसली कि पानी का अमाउंट तो सेम ही रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर मैं टैप बंद कर देता हूं तो ये अगर लेवल है तो ये भी सेम लेवल है, ये भी सेम लेवल है, ऐसे रहते हैं। दो टैंक्स अगर कनेक्ट किए जाते हैं तो सेम लेवल पे आ जाते हैं। तो अगर आप यहां से पानी की सप्लाई ऑन रखते हो तो पानी ओवरफ्लो होगा। इसकी पाइप की लेंथ छोटी है, अगर छोटी लेंथ है तो क्या करेंगे, पानी यहां से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया। पर क्योंकि इस पाइप की हाइट सेम है तो ये पानी यहीं रहेगा, ये नहीं जाएगा, सारा ओवरफ्लो पानी यहां की बजाय यहां से निकलना, यहां से जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे गिरे मैं नहीं मना करता, पर मुझे इस पाइप में कांस्टेंट चाहिए। तो हाँ, थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट अगर ठीक करें पाइप्स का,
वाटर का, तो मैं यहाँ कॉन्स्टेंट सप्लाई को ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि पानी को बाहर निकलने का रास्ता तो देना पड़ेगा कहीं से। यहाँ तक क्लियर है? सेम यही काम है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, तो मान लो पीछे से सप्लाई क्या आ रही है, ई ई, और ई सप्लाई पीछे से चेंज हो सकती है लेट अस सपोज, और आपको क्या चाहिए सप्लाई, कांस्टेंट चाहिए। तो आप ना जीनर डायोड का, जीनर डायोड की डिप्लीशन लेयर की कोई रेजिस्टेंस भी होती है आर। जीनर को छोड़ो, वैसे सोचो अगर मुझे वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट चाहिए, मशीन को छोड़ो, इधर देखते हैं, और मुझे इसका जो ई माइनस आई आर कॉन्स्टेंट चाहिए, लेट अस सपोज आर की वैल्यू तो फिक्स्ड है 1 ओम, ये नहीं चेंज होगी, और लेट अस सपोज ई मुझे 8 वोल्ट चाहिए, इमेजिन करो 8 वोल्ट चाहिए, तो मुझे एक चीज बताओ कि वी की वैल्यू अगर 8 वोल्ट चाहिए और ई पीछे से 8 वोल्ट ही आ गया, पीछे से ई भी 8 वोल्ट आ गया, तो फिर आई मैं क्या रखूं, 0, ताकि मेरा आंसर क्या आए, 8 वोल्ट। अगर पीछे से सप्लाई ज्यादा हो गई, 9 वोल्ट हो गई, 1 वोल्ट ज्यादा आ गई, अब मैं आर को तो चेंज नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली करंट को क्या करूंगा, करंट को यहां पर 1 कर दूंगा, ताकि क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट। अगर मैं पीछे से वोल्टेज सप्लाई बोलता हूं 10 आ गई, तो मुझे करंट को क्या रखना पड़ेगा, 2, तो आंसर क्या आएगा, 8 वोल्ट। यानी कि मैं करंट की वैल्यू को चेंज करके अपनी नेट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? बिल्कुल, पानी के साथ भी तो वही हो रहा है। V का मतलब ये चीज है, मुझे यहां कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। E का मतलब जो ऊपर से सप्लाई आ रही है, ऊपर से सप्लाई ज्यादा 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 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ सकती है, ऊपर की सप्लाई बढ़ रही है, मुझे ये कांस्टेंट चाहिए। और पानी फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो करना, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर का फ्लो मैं चेंज कर सकता हूं, तो वाटर के फ्लो को चेंज करके मैं इस पानी को भी कंट्रोल कर सकता हूं और वोल्टेज को भी इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये बेसिक लॉजिक क्लियर है कि बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ, या बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट मैं वी को क्या रख सकता हूं, कॉन्स्टेंट, ये बोला जा सकता है। ये लॉजिक समझ में आता है। अब एक चीज देखो, अब चलते हैं जीनर डायोड पे। जीनर डायोड पे जो क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा ड्रॉ द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ जीनर डायोड, हम बना लेंगे। जीनर डायोड जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड में कोई फायदा नहीं इसको यूज करके, तो जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। एंड ये जो डायग्राम बना हुआ है जीनर का, और क्वेश्चन ये आएगा रादर कि जीनर डायोड को एक्सप्लेन करो दैट इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक्सप्लेन करो, तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें प्लीज। ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। देखो कैसे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को इंपॉर्टेंट मार्क करो, और ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, जिसके अंदर आपने अनरेगुलेटेड वोल्टेज ली, आपने एक डायोड लिया जीनर, नॉर्मल डायोड नहीं लगाना, ध्यान से सिंबल ऐसा ही बनाना है, आपने एक रेजिस्टर लिया आरएस, ये आरएस, और आपने एक लोड रेजिस्टेंस लिया आरएल। ठीक, ये रेजिस्टेंस, ये डायग्राम है इसका, और ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, मोबाइल फोन या जो भी चीज है जिसमें रेगुलेटेड सप्लाई, और इसमें मान लो करंट जो भी आता है वो कुछ करंट इसमें जाएगा लोड रेजिस्टर में, और कुछ करंट किसमें आएगा, आई ऑफ जेड में आएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीनर डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको मेंस या नीट में, तो वो कैसे करने हैं, एक बार एनसीईआरटी का ये खत्म हो जाए हमारा, आपको शीट दूंगा जिसमें जीनर के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं आता, बट प्रोबेबिलिटी थ्योरी की है, बट यू नेवर नो, क्योंकि इस बार सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं वो कम सिलेबस में जीनर के ऊपर न्यूमेरिकल इस बार डाल सकते हैं। ठीक, तो इसको काम कैसे करना है ये समझते हैं। जीनर डायोड को समझने के लिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आईवी करेक्टरिस्टिक्स क्या है जीनर की, रिवर्स बाइसिंग में जब आप वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स बाइसिंग में जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो आपका करंट ना के बराबर होता है जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, हमने किया था, ये तो बहुत ही कम करंट है,
इसको तो काउंट भी नहीं किया जाता, ये माइन्योरिटी करंट है, लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आती है जब इसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को जीनर में क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। मान लेते हैं कि जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट है, इमेजिन कर लेते हैं 8 वोल्ट है। इसका मतलब कि अगर आपने वोल्टेज 8 वोल्ट से कम रखी, समझो करंट उसमें गया ही नहीं, उसने करंट को ब्लॉक ही कर लिया, मेजोरिटी करंट तो गया नहीं, माइनॉरिटी की तो वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने 8 वोल्ट से ज्यादा, अगर आपने 8 वोल्ट जितनी रखी, चलो 8 वोल्ट जितनी रखी, तो इतना करंट आएगा, बिल्कुल ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो करंट है। लेकिन अगर आपने वोल्टेज को 8 से ज्यादा कर दिया, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, तो ये ना सोचना कि करंट ऐसे जाएगा, ना, करंट स्टेडली उसी टाइम नीचे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट पे और ज्यादा, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, इस तरीके से करंट बढ़ता जाएगा स्टेडली नीचे की तरफ। तो इसका मतलब कि अगर आप वोल्टेज रिवर्स बढ़ाते हैं, तो ब्रेकडाउन के अंदर जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, आप बढ़ाते रहे वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं, इसने तो 8 वोल्ट पे रहना है, वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वोल्टेज आपने अपनी तरफ से बढ़ा दी, तो नहीं बढ़ेगी, वोल्टेज तो 8 ही रहेगी इसकी, बजाय कि वोल्टेज बढ़ने के उल्टा क्या हो गया, करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये जीनर डायोड की प्रॉपर्टी है, एक बार उसका ब्रेकडाउन हो गया, उसने 8 वोल्ट पे रहना है। अगर उसके और बॉन्ड्स टूटते गए टूटते गए टूटते गए, उसने 8 वोल्ट ही शो करना है वोल्टेज को, तो लेकिन उसका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी, याद रखना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, मान लो एक मिनट के लिए पीछे से ये जो जीनर वोल्ट जो डायोड है, ये 8 वोल्ट का जीनर डायोड है। 8 वोल्ट का क्यों? क्योंकि जो मेरा फोन है, मुझे पता लगा कि जिस कंपनी का है वो 8 वोल्ट पे ही चार्ज होता है, और मुझे बिल्कुल कांस्टेंट 8 वोल्ट चाहिए। तो क्या होगा अगर इसको 8 वोल्ट चाहिए, और पीछे से मान लो 8 वोल्ट ही ऊपर अप्लाई किया हमने, तो अगर पीछे से 8 वोल्ट आते हैं और जीनर के क्रॉस 8 वोल्ट उसको मिल जाता है, हालांकि 8 वोल्ट से कम मिलेगा बिकॉज यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पर चलो किसी तरीके से जितना भी आपने पीछे अप्लाई किया इसको 8 वोल्ट मिल गया। 8 वोल्ट से कम अगर मिलता है, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो ये करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, जो भी करंट आएगा ब्लॉक कर लेगा नॉर्मल डायोड की तरह। सारा करंट कहां से जाएगा, इसमें जाएगा, तो फोन में या जो भी डिवाइस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस IL इनटू RL हो जाएगा, जो कि 3 वोल्ट 4 वोल्ट। डर नहीं है ज्यादा, क्योंकि वोल्टेज कम होने से फोन फोन में जो सिलिकॉन या जो भी सेमीकंडक्टर के बॉन्ड है वो टूटेंगे नहीं, लेकिन ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा डर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, क्योंकि हल्की सी वोल्टेज इंक्रीज होती है तो एनर्जी लेके क्या हो जाता है, बॉन्ड्स लाखों के अमाउंट में टूटते हैं, जिससे ड्रास्टिकली करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं अगर कम वोल्ट है उसकी तो बात ही नहीं करते, बिकॉज कम वोल्ट में हम बात ही नहीं करेंगे। ज्यादा वोल्ट अगर आते हैं, मान लो 8 वोल्ट आ जाता है इसके क्रॉस, तो ये कहता है कि मेरा क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अगर ब्रेकडाउन होता है ठीक 8 वोल्ट पे, मैंने क्या बताया था, इसमें करंट ना के बराबर है, कितना, जीरो, मतलब माइक्रो में है, तो मैंने बताया था ना के माइनॉरिटी करंट तो ना के बराबर है, तो वोल्टेज कितनी डेवलप कर गया, 8 वोल्ट। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो यहां पे क्या डेवलप हो गया, 8 वोल्ट। तो फोन चार्जर को क्या मिला, आउटपुट 8 वोल्ट। लेकिन पीछे से अगर मान लो इसको मिला वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ गई, और 8 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट, ये इससे क्या मेरा ब्रेकडाउन है। अब ब्रेकडाउन में क्या होगा, ब्रेकडाउन में अपने बॉन्ड्स तोड़ेगा और अपने करंट को बढ़ा लेगा। पीछे से अगर वोल्टेज बढ़ गई तो थोड़ा करंट को इसने इंक्रीज कर लिया, करंट ऐसे इंक्रीज किया सच दैट जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, ई माइनस आई इन टू आर के हिसाब से, कि पहले पीछे से कितने आए थे, मान लो 8 वोल्ट, तो जीनर ने करंट क्या कर लिया था, जीरो। लेकिन अब आपने आउट पीछे से कितने वोल्ट दे दिए, 10 वोल्ट, तो जीनर क्या करेगा, जीनर अपने, क्योंकि ब्रेकडाउन मोड में है, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, अपना करंट ऐसे इंक्रीज कर लेगा सच दैट कि अगर R की वैल्यू 1 है तो करंट कितने एम्पियर कर लेगा, 2 एम्पियर कर लेगा, सच दैट यहां पर आउटपुट कितना आएगा, 8 वोल्ट। अगर पीछे से 12 वोल्ट आ गया, कोई बात नहीं 12 वोल्ट है, तो जीनर क्या करेगा, जीनर पीछे से अगर 12 वोल्ट आया तो यहां पर बोलो क्या करेगा, 4 वोल्ट तक आंसर क्या आएगा, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा कर क्या सकता है, ब्रेकडाउन पे अपना करंट बढ़ा लेगा। करंट ऐसे बढ़ाएगा कि अपने अंदर से जो भी
क्योंकि पीछे से जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है, तो इतना करंट पास करने देगा अपने अंदर से कि आउटपुट इसका 8 वोल्ट ही रहे, क्योंकि यही तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ब्रेकडाउन के ऊपर इसकी वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये क्या करेगा, आई इन टू आर का प्रोडक्ट 8 वोल्ट ही रखेगा ताकि इसमें भी 8 वोल्ट ही जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इसमें जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा क्या रखी जाएगी ब्रेकडाउन में 8 वोल्ट। इसीलिए हम चाहेंगे कि जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग के अंदर ब्रेकडाउन में काम ही करे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता फिर किसी काम का नहीं है। उल्टा हम तो चाहेंगे कि इसका अगर फोन को चार्ज कर रहे हैं तो जीनर ब्रेकडाउन हो जाए। जीनर ब्रेकडाउन हो गया तो वोल्टेज तो पक्की बात है कि कॉन्स्टेंट ही देगा, मजाल है कि 8.8 का 8 दे देगा, 8 का 8 ही देता जाएगा, क्योंकि अपने अंदर से करंट को ऐसे इंक्रीज कर लेगा आउटपुट विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि जीनर डायोड का फायदा क्या है? ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन यहां तक कोई डाउट इसमें, इसको लिखना कैसे है और क्या लिखना है, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। जीनर डायोड के अंदर ये डायग्राम बनाना है, फिर आपने ये लिखना है कि इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर। प्रिंसिपल में लिखना है प्रिंसिपल, व्हेन अ जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। जब जीनर डायोड रिवर्स, और किसमें काम करता है, रिवर्स में करता है, दी वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, और कितनी जितनी उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है जीनर वोल्टेज ऐसी रहेगी। फॉर अ लार्ज चेंज इन रिवर्स करंट, करंट लार्ज चेंज हो जाएगा, करंट अपनी वैल्यू को चेंज करेगा लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं होती। द यूज ऑफ जीनर डायोड एज अ डीसी वोल्टेज रेगुलेटर इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि वोल्टेज इसकी कॉन्स्टेंट रहती है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर जीनर डायोड एज ए रेगुलेटर बेस्ड है। फिर आपने इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, जीनर करेक्टर आईवी करेक्टरिस्टिक्स याद होगा, नॉर्मल डायोड की भी ऐसी हैं, ना के बराबर करंट है फिर करंट एकदम इंक्रीज है, इसको ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। क्लियर है? ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और ये जो करंट होता है बिल्कुल ना के बराबर करंट, जिसको माइनॉरिटी करंट बोलते हैं, उसको कभी कभी क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ये बना नहीं हुआ डायग्राम बुकलेट में, शायद पेज नंबर 132 पे होना चाहिए, 132 पे है, चेक करो, नहीं 134 पे है, ओके 134 पे होगा, लिख लो, नोट लिख लो इसमें कि ड्रॉ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेज नंबर 134, लिख लेना यहां पे नोट कि 134 का डायग्राम आपने इसमें ड्रॉ करना है साथ में।
तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, आपको सिर्फ समझाने के लिए जो मैंने आपको भी लिख के दिया था कि अगर आउटपुट 3 वोल्ट चाहिए तो वो करंट को चेंज करके 3 वोल्ट कर लेगा, एग्जांपल है। आपने ये डायग्राम बना के आना है, इंपॉर्टेंट, ये करेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में है, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। अगर इनपुट वोल्टेज कम है आउटपुट भी कम है, अगर इनपुट 1 वोल्ट है तो आउटपुट भी 1 वोल्ट है, इनपुट 3 वोल्ट है तो आउटपुट भी 3 वोल्ट है, इनपुट 5 वोल्ट है तो आउटपुट भी 5 वोल्ट है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि आउटपुट 5 वोल्ट क्यों है, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। अगर वोल्टेज मान लो जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट का ब्रेकडाउन है तो फिर उस केस में क्या होगा, जितनी कम वोल्टेज है वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपका एक बार ब्रेकडाउन हो गया फिर उस केस में 8 वोल्ट आता रहेगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जीनर डायोड कब काम करे, जब उसका क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो वो कॉन्स्टेंट सप्लाई देगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये करेक्टरिस्टिक साथ ड्रॉ करके आना, आउटपुट एंड इनपुट करेक्टरिस्टिक। तो जीनर के अंदर एक लिखोगे प्रिंसिपल, जीनर के अंदर एक उसका रेगुलेटर, रेगुलेटर के साथ करेक्टरिस्टिक्स, आईवी करेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ ये आउटपुट और इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। अपने वर्ड्स में जो लिखना है लिखो इसमें, जिसमें 2-3 पॉइंट्स लिख देना, मैं अंडरलाइन करवा देता हूं मेन मेन पॉइंट्स, कि जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस, तो मतलब जीनर रिवर्स में काम करेगा, रिवर्स बायसिंग टू अ सोर्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग डीसी, तो फ्लक्चुएटिंग डीसी के साथ काम करेगा, एंड किसका, जो रेक्टिफायर लगा होगा, हमने किया था रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आपको जो कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई देगा वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, उसके आगे जीनर लगेगा, थ्रू अ ड्रॉपिंग रेजिस्टर आर एस, अंडरलाइन करो ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर एस। तो चाहो तो डायग्राम के अंदर ही यहां पर इस आर एस के आगे लेबलिंग कर लो, दिस इज ड्रॉपिंग रेजिस्टर आर एस, डायग्राम में लिख देना ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर एस। तो पहले तो उसने जस्ट ये सेटअप के बारे में बताया, जिसमें ये बताया कि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड बिटवीन आर, आर का मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस आर एंड जीनर डायोड, आर एस आएगा, सॉरी आर एस, दैट इज ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस एंड जीनर डायोड। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस जीनर डायोड में, तो आउटपुट ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर एल इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द जीनर। तो पहले सेटअप के बारे में सिखाया कैसे ऐसे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी आर एस और जीनर के बीच में, और जो जीनर की वोल्टेज होगी वही आउटपुट की वोल्टेज होगी। इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट थ्रू आर एस एंड जीनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेस, अगर पीछे से जो है आपकी इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, इससे कि वोल्टेज ड्रॉप आर एस में बढ़ जाएगा विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, तो जीनर डायोड की वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, यह क्योंकि जीनर डायोड जो ब्रेकडाउन में आ जाएगा, और जीनर जब ब्रेकडाउन में आएगा तो जीनर वोल्टेज कॉन्स्टेंट होती है। उसके बाद सिमिलरली द आउट इनपुट वोल्टेज अगर डिक्रीज होती है तो वोल्टेज अक्रॉस आर एस डिक्रीजेज विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। कुछ नहीं है, बस वो सिंपल पॉइंट लिख रहा है कि चाहे वोल्टेज बढ़े चाहे वोल्टेज कम हो, आपकी वोल्टेज आउटपुट की कॉन्स्टेंट रहेगी, रेगुलेटेड सप्लाई है, कब, आफ्टर जीनर ब्रेकडाउन, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो चेंज होगी। तो आपने लिख देना, चाहे एक लाइन लिख देंगे कि रिवर्स बायसिंग में आफ्टर ब्रेकडाउन इफ वोल्टेज डिक्रीजेज और इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट द आउटपुट इज रेगुलेटेड एंड आउटपुट जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट सप्लाई ही देगा। तो इसको अपने वर्ड में जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जीनर डायोड है। नेक्स्ट टाइप का डायोड जो हम स्टडी करेंगे, रादर कई टाइप के डायोड्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, उनमें से एक फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक ही बात है, नाम एक ही है।
देखो एक तो हमने सिंपल डायोड पढ़ा, ठीक, सिंपल डायोड समझ में आया था, रेक्टिफायर बनाने के काम आया था। एक डायोड हमने जीनर पढ़ा, जीनर की प्रॉपर्टी से जीनर डायोड बना, वोल्टेज रेगुलेटर बना, समझ में आती है बात। फिर अब हम और भी डायोड पढ़ेंगे जिसका लेना देना लाइट से है। तो लाइट से जिस डायोड का लेना देना है, अभी तक लाइट का कोई काम नहीं है, अभी तक तो हमने बाइसिंग से ही काम किया है। अब अगर लाइट को इन्वॉल्व करते हैं तो ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे डायोड्स को जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन रखते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, फोटोवोल्टिक डिवाइसेस क्या होते हैं, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट टाइम भी किया था। तो यानी कि लाइट रेडिएशन आएंगी और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि डिवाइसेस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट, दैट इज एलईडी। तो एलईडी के अंदर क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में। ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपने एक चीज नोट की, इलेक्ट्रिसिटी इंटू लाइट, लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट इन्वॉल्व है। एक और डिवाइस है या कुछ और डिवाइसेस होते हैं जिसको फोटो डिटेक्टर्स बोलते हैं, जो कहां काम आते हैं फॉर डिटेक्टिंग लाइट सिग्नल। तो लाइट सिग्नल के देखने के काम आते हैं कि लाइट सिग्नल किस इंटेंसिटी कितनी है। ये नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर के साथ लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आपने इंटरनेट यूज करना है और ब्रॉडबैंड यूज करना है, ब्रॉडबैंड की स्पीड बहुत तेज है, डाउनलोडिंग स्पीड भी बहुत तेज है, पहले नहीं होती थी ऐसी, क्योंकि लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, TIR की हेल्प से हमने किया था ऑप्टिक्स में, और TIR की हेल्प से लाइट बहुत तेज ट्रेवल करती है 3×10^8 की स्पीड से, ठीक, ऐसे करते हैं हम। अब सपोज करो आपकी मशीन कंप्यूटर ने एक कोई भी सिग्नल सेंड करना है, उसने सिग्नल को सेंड किया और सिग्नल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, क्योंकि लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो बिजली का सिग्नल है। किसी मशीन ने क्या किया, उसको क्या किया, उसको लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब लाइट जा रही है वायर में, ऑप्टिकल फाइबर में, और डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। वहां भी कंप्यूटर लगा होगा जो आपके सिग्नल को रीड करेगा। अब लाइट से तो रीड नहीं करेगा, लाइट को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें फोटो डिटेक्टर लगाते हैं, मशीन लगी है फोटो, उसके ऊपर फोटोन्स गिरते हैं लाइट के, विद बिना किसी एनर्जी लॉस के। फोटोन गिरा, जंक्शन पे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो बाइसिंग हुई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाहर निकाल लेंगे। आप परफेक्शन देखो कितनी है, कितने फोटोन्स आए और उतने ही बॉन्ड्स टूटे और उतने ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया, और एज इट इज सिग्नल आपके कंप्यूटर में एज इट इज आता है।
तो इसके अंदर जो डिवाइसेस, जो फर्स्ट डिवाइस है, जो कि मैं फोटो डिटेक्टर्स की बात कर रहा हूं, फोटो डिटेक्टर्स आपके सिलेबस में हुआ करते थे, अब नहीं है। पहला स्पेशल टाइप का डायोड, पहला क्यों? जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है। तो नेक्स्ट जो डायोड जो हम पढ़ेंगे, जो लाइट के ऊपर बेस्ड है, इस फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करेगा? फोटो डायोड के ऊपर फोटॉन्स गिरेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट कर देगा। ये फोटो डायोड है, ठीक। अब ये कैसे काम करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताएं फोटो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है या रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो लिख लें, इसे इंपॉर्टेंट है। फोटो डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग, ठीक। फोटो डायोड एक नॉर्मल डायोड है, पीएन डायोड है, और पीएन डायोड पे आप चेक कर सकते हैं फोटोन्स गिर रहे हैं, ये नॉर्मल डायग्राम बना सकते हैं आप, और रिवर्स बायसिंग में काम करता है। फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। तो एक फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर है जो कि फोटोन से अफेक्टेड है। फोटोन जब इसके ऊपर गिरेंगे तो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे, ऐसा सेमीकंडक्टर ना हो कि फोटोन गिरने से बॉन्ड ना टूटे। तो फोटोन गिरेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, एंड प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। एक विंडो ग्लास की बनी होती है जिसमें ऐसा खुला नहीं होता, विंडो होती है इसमें जिसके ऊपर फोटॉन्स गिरते हैं, सो एज टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। इसका काम करने का तरीका समझ लें प्लीज। सपोज ये आपके पास एक जंक्शन है, डायोड है पीएन, एंड ये रिवर्स बायसिंग के अंदर माइनस एंड प्लस, राइट? रिवर्स बायसिंग कर दी, फोटो डायोड है, इसके अंदर ज्यादा क्या होंगे? होल्स, ठीक है, होल्स, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट क्लियर है? अब क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में है, तो मेजोरिटी कैरियर कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये लो, ये मेजोरिटी कैरियर्स है, ठीक, ये मेजोरिटी कैरियर्स है, कोई डाउट इसमें? तो मेजोरिटी कैरियर कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो यानी कि जंक्शन के क्रॉस करंट ऑलमोस्ट जीरो। ब्रेकडाउन नहीं करना, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन करना है, इसका ब्रेकडाउन नहीं करना। तो ये ब्रेकडाउन मोड से कम है, यानी कि जो भी इसकी ब्रेकडाउन की वोल्टेज है, आपकी वोल्टेज उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि इसका ब्रेकडाउन ना हो। अब क्या होगा? इसके ऊपर फोटोन्स गिरेंगे, जंक्शन के ऑलमोस्ट पास गिरते हैं फोटोन्स, और यहां पड़े हुए सिलिकॉन से या जो भी आप सेमीकंडक्टर यूज करोगे, सेमीकंडक्टर के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिलीज होंगे, ऑब्वियसली इसमें बॉन्ड, और ये बॉन्ड्स की जो अमाउंट है,
क्योंकि इसमें प्लस और माइनस तो काफी कम थे, ये तो डोपेंट हैं। डोपेंट तो कितने ही डाल दोगे, डोपेंट तो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन फोटॉन्स लाखों में आएंगे, और फोटॉन तो बहुत गिरेंगे, और सिलिकॉन के बॉन्ड भी फिर, या जो भी सेमीकंडक्टर है उसके बॉन्ड भी बहुत ज्यादा टूटेंगे। बहुत बॉन्ड टूटे तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, उस इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया, माइनस ने, या सॉरी उस इलेक्ट्रॉन को माइनस ने क्या किया, रिपेल किया। माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के क्रॉस गए टुवर्ड्स राइट, अपनी जगह क्या छोड़ गए, बहुत सारे होल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव ने रिपेल किए थे, पॉजिटिव ने खींच लिए, बैटरी का काम है सर्कुलेशन। वो इलेक्ट्रॉन्स मान लो 100 बॉन्ड टूटे थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस ने खींचे और वापस इसको दे दिए, क्योंकि यहां पर क्या हो गए थे, 100 होल्स। 100 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, 100 होल्स क्रिएट हो गए, घूम के उन्हीं होल्स के ऊपर जाके रिकम्बाइन हो गए, और फोटॉन्स गिरे, और बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन निकले, बैटरी ने घुमा के इलेक्ट्रॉन वापस दिए, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, फिर फोटॉन्स गिरे, बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इस बैटरी का काम है घुमा के, जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उनको घुमा के वापस होल्स पे रखना। तो इस तरीके से करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक रेडिएशंस गिरती जाएंगी, जब तक फोटॉन्स गिरते जाएंगे, करंट जनरेट होता जाएगा, लेकिन इसकी बाइसिंग जो है वो ब्रेकडाउन से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो करंट की जो जनरेशन है, ये फोटॉन्स की वजह से, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जो फोटॉन्स हैं उसकी वजह से, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इनका तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे रिवर्स बायसिंग में तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो जनरेट हुए ड्यू टू बॉन्ड की ब्रेक करने की वजह से, इन्होंने करंट को जनरेट किया, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने रिवर्स बायसिंग क्यों की, मैं फॉरवर्ड बायसिंग कर देता हूं, उल्टा और भी मजा आता। फॉरवर्ड बायसिंग में बॉन्ड्स टूटते, बॉन्ड्स की वजह से तो करंट जनरेट होता ही होता, और उल्टा मेजोरिटी करंट भी होता। तो मेजोरिटी करंट में अगर बॉन्ड्स की ब्रेक होने से करंट बढ़ भी जाता तो क्या फर्क पड़ता था, रिवर्स में भी तो किया ही ना। तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायसिंग में काम क्यों करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम क्यों नहीं करता, या क्यों प्रेफर नहीं किया जाता। काम तो करता है पर प्रेफर नहीं किया जाता, प्रेफर हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर सुनो, हम इसको रिवर्स बायसिंग में क्यों प्रेफर करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल सुनो। नीचे बहुत ज्यादा भीड़ जा रही थी लोगों की, लाखों लोग थे जा रहे थे, चार बच्चे उठ के भाग गए यहां से, बाकियों ने कहा सर देखो चार बच्चे भाग गए नीचे, देखो ध्यान से। मैं कहा ध्यान से क्या देखूं, लाखों की भीड़ है, चार लोग मैं कहां देख लूंगा अपने। तो देर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन, मेरे हिसाब से अभी भी लाख है, अभी भी चार लोग चले गए तब भी लाख है, कोई चेंज नहीं है, मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब उल्टा कर लो, इक्का दुक्का लोग घूम रहे थे नीचे, यहां से चार लोग भाग गए, अब चार लोग पकड़ में आ गए, देखो अपनी तो चार है। वो कहने का मतलब, जब मेजोरिटी करंट जा रहा था और उसमें फोटॉन्स का करंट चला गया, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो मेजोरिटी करंट है कि फोटॉन्स का करंट है, लेकिन जब माइनॉरिटी करंट जा रहा था, ना के बराबर करंट जा रहा है, रेडिएशंस गिरी करंट बढ़ गया,
गारंटेड है फोटोन्स का ही करंट तो है, क्योंकि माइनोरिटी करंट का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो माइनोरिटी में चेंज को डिटेक्ट करना ज्यादा ईजी है और मेजोरिटी में चेंज को डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? मतलब अगर माइनॉरिटी में कोई चेंज है तो दिखता है चेंज है, मेजोरिटी में कोई चेंज है वो दिख नहीं रहा चेंज है, क्लियर? तो इजी डिटेक्टेबल है। बल्ब जलाएंगे reaches 300 meters. Stand on that glass bridge and I look down below. I would be so scared, but it seems like तो इसको लिखने का तरीका, the voltage is kept slightly less than the breakdown voltage. मैंने क्या बताया कि जो वोल्टेज है रिवर्स बाइसिंग में वो कैसे रखनी होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखनी होती है। व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट एट द जंक्शन रिवर्स करंट मूव करेगा जंक्शन के, ऑब्वियसली रिवर्स करंट मूव कर रहा जब आपने कोई फोटोन नहीं घेरा। रिवर्स करंट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड इज कॉल्ड डार्क, इसको लीकेज करंट भी बोलते थे रिवर्स करंट को, एक और नाम है इसमें फोटो डायोड में इस करंट को क्या बोलते हैं, डार्क करंट। मेंस या नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये डार्क करंट कि मार्क करो कि फोटो डायोड में जो रिवर्स करंट है उसका नाम क्या होता है, डार्क करंट। ठीक, नेक्स्ट है, फिर आपने डायग्राम भी ड्रॉ करना है रिवर्स बाइसिंग में और ये माइक्रो एम्पियर चेक कर देगा कि कितना फोटोन्स की वजह से करंट आ रहा है वो चेक करेगा। सो लिखने का और तरीका, और अगर लिखना है इसमें तो आप लिखेंगे कि जो फोटोन्स हैं, जो फोटोन्स गिर रहे हैं उनकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ई जी होना चाहिए। जो आप फोटोन्स गिरते हैं उनकी एनर्जी जो आप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उनका बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए ताकि जब फोटोन गिरे तो बॉन्ड तो कम से कम टूटे, बॉन्ड टूटेंगे। तो इस केस में एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, वो जो रेडिएशन गिरने से फोटोन गिरने से एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, तो फोटोन की एब्जॉर्प्शन की वजह से। सो दिस जनरेशन ऑफ फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर्स, अंडरलाइन करो फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर्स क्या होता है, फोटोन्स की वजह से जनरेट हुए हुए चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होल रिलीज हुए कहां पे होते हैं, इन और नियर डिप्लीशन लेयर। ड्यू टू जंक्शन फील्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स कलेक्टेड ऑन एन रीजन एंड होल्स ऑन पी रीजन सेटिंग अप एन ईएमएफ, ऑब्वियसली जब मूव करेंगे तो ईएमएफ सेट कर देंगे। तो लिखने का तरीका अपने वर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो रिवर्स इन रिवर्स बायस फोटो डायोड वी कैन इजीली ऑब्जर्व द चेंज इन फोटो करंट विद चेंज इन रेडिएशन इंटेंसिटी। तो अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आप करंट कितना बढ़ रहा है इजीली देख सकते हैं क्योंकि आपने बायसिंग क्या की हुई है, रिवर्स की हुई है। उस बार नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं I1 I2 I3 तो आप चेक कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, फोटो डायोड की करेक्टरिस्टिक्स मार्क करें और शायद नीट में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस बहुत आसानी से। तो क्योंकि रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं तो करेक्टरिस्टिक रिवर्स की बनेगी, अगर इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी लाइट की कम है तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी कम गिरेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स कम गिरेंगे तो करंट भी कम होगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे तो करंट भी ज्यादा होगा, तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स याद कर लें और ड्रॉ भी करके आने हैं।
तो सफिशियंट है, अगर तीन नंबर में आता है तो आप डायग्राम ड्रॉ करें पीएन का, और ये एमीटर जरूर बनाएं इसमें, क्योंकि आपको डिटेक्ट करना है कि इसमें करंट कितना है। आप पहले लिखें व्हाट इज फोटो डायोड, फिर आप इसमें ये लिखें कि डार्क करंट क्या होता है, फिर आप डायग्राम ड्रॉ करें, फिर आप ये लिखें कि आपकी एनर्जी फोटोन की एच न्यू बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, फिर आप ये लिखें कि इंटेंसिटी चेंज करने से कैसे करंट चेंज हो सकता है, फिर आप डायग्राम ड्रॉ करें, बहुत कुछ है, तीन नंबर मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, ये भी आता है कि फोटो डायोड इज प्रेफर्ड इन रिवर्स बायस। मैथमेटिकल प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि फोटो डायोड को प्रेफर किया जाता है इन रिवर्स बायसिंग। तो आपने मैथमेटिकली ऐसे करना है कि मान लिया हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, कुछ भी पी टाइप मान लें चाहे एन टाइप, मान लिया आपने एन टाइप लिया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी से ज्यादा है बाय नेचर, क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन होंगे इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर कौन होंगे होल्स, तो ज्यादा है। व्हेन इल्यूमिनेटेड विद लाइट बोथ टाइप ऑफ कैरियर इंक्रीज इक्वली इन नंबर, जब आप लाइट रेडिएशन गिरेंगे जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे लाइट के गिरने से उतने ही होल जनरेट होंगे, यानी कि चेंज इन होल्स एंड चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो नए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जितने पुराने थे प्लस डेल्टा एन, नए होल्स क्या होंगे जितने पुराने थे प्लस डेल्टा पी। एक बात बताओ, एन तो पी से बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन इनका चेंज तो बराबर है, तो अगर मैं डेल्टा एन को एन से और डेल्टा पी को पी से डिवाइड करे, ये न्यूमिनेटर दोनों का एग्जैक्टली सेम है पर डिनोमिनेटर इसका बहुत ज्यादा है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगी कम, तो ये फ्रैक्शन इससे बहुत ज्यादा कम है, तो इसका मतलब ये था कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन थे एन, लेकिन चेंज ये क्या आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन होल्स, और होल्स एन टाइप में कौन से कैरियर है माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी कैरियर में चेंज बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू मेजोरिटी कैरियर। मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि होल्स माइनॉरिटी है पर होल्स का चेंज फ्रैक्शनल ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में मतलब जो बात मैंने आपको थ्योरी में समझाई वो बात इसे मैथमेटिकली समझाई कि चाहे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है होल से पर चेंज होल्स का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो आप लिख सकते हैं उसके बाद दैट इज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजोरिटी कैरियर इज मच लेस देन द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, लिखते हैं यहां तक, तो फ्रैक्शनल चेंज शो कर दिया, तो उस केस में फोटोडायोड द प्रेफर्ड इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, आप यहां तक लिख सकते हैं, आ जाएगा ये सीबीएसई में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडीज के अंदर उल्टा एरो ड्रॉ करना है, उसमें फोटोन गिरते थे, ये हमें फोटोन देगी, उसमें हम क्या करते थे फोटोन गिरते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, इसमें क्या होगा हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और फोटोन्स जनरेट होंगे, तो लॉजिक बता देता हूं। सबसे पहले आप ये लिखो अंडरलाइन करके, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो एलईडी में हम पीएन की कौन सी बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो एलईडी के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक है, तो एलईडी के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग है। तो आपने ये लिखना है कि एक नॉर्मल डायोड है, इसका डायग्राम है, इट इज हेविली डोप्ड है, बहुत ज्यादा डोपिंग होती है, इट इज हेविली डोप्ड फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन विच स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी लाइक इंफ्रारेड विजिबल एटसेट्रा। लॉजिक सुन लो, बड़ा आसान है, फॉरवर्ड बायसिंग करो, हाईली डोपिंग करो, बहुत सारे चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जाएंगे, जब वो जंक्शन की तरफ जाएंगे उनकी और उनका कॉम्बिनेशन होगा तो एकदम काइनेटिक एनर्जी लाइट में रिलीज हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन ना, तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक इनटू फोटॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लाइट बाहर आ जाएगी। ठीक, एलईडी बन गई। तो इसके बेस पे ये लिखा नहीं हुआ, ये शीट में लिख के दूंगा मैं आपको कि नॉर्मली वी यूज एटम इन एलईडी, एलईडी में ऐसा एटम यूज किया जाता है जो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हम सेमीकंडक्टर का एटम ऐसा यूज करेंगे जिसका बैंड गैप क्या होना चाहिए 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों,
क्योंकि 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जो भी लाइट निकलेगी, जो भी फोटॉन्स गिरेंगे, वो विजिबल रीजन में होते हैं। हम एलईडी में लाइट एमिट होती हुई देख सकते हैं, होती तो हर में है पर इस रेंज में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए सिलिकॉन बैंड गैप 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम एलईडी बनाने के लिए कम से कम सिलिकॉन को तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता जिसको देखा जा सके। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन की जगह कंपाउंड एलईडी यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं सेमीकंडक्टर। कैसे? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, दैट इज GaAsP। तो जैसे एक्स की क्वांटिटी इसमें 0.4 है, तो 1 माइनस एक्स की क्वांटिटी 0.6 है, मतलब 40% पी है तो 60% एएस है। अगर हम ये यूज करते हैं तो एनर्जी बैंड गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो ऐसा फोटोन रेड कलर की एलईडी की तरह नजर आएगा, रेड लाइट नजर आएगी। तो रेड कलर की एलईडी इस मटेरियल से बनी होती है। अगर हम GaP यूज करते हैं, गैलियम फॉस्फाइड, तो ग्रीन कलर की एलईडी है। अगर हम GaAs यूज करते हैं, आर्सेनाइड, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इंफ्रा रेड के अंदर यूज होती है, जो रिमोट के अंदर आपने देखा होगा टाटा स्काई या कोई भी रिमोट चलाओ तो रेड कलर की वो ब्लिंक करती है, कभी दिखती है कभी दिखती भी नहीं है, कभी कभी नहीं दिखती फिर भी रिमोट चल रहा होता है, क्योंकि वो इंफ्रा रेड रेज से है, क्या दिखती है, कईयों में दिखती है, तो वह इंफ्रा रेड रेज है बेसिकली। तो ये सब एलईडी का काम है कि कौन सा मटेरियल है उसके हिसाब से है, कि कौन सा मटेरियल से एलईडी बनी हुई है। तो आपने इसमें क्या क्या लिखना है, एलईडी के बारे में लिख दिया, ये पेज जो मैं आपको लिख के दूंगा वो आप लिख देना, और इसके अंदर वो कह रहा है पीएन जंक्शन जो है ट्रांसल्यूसेंट सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, मटेरियल जो मर्जी आप यूज करें, गैलियम आर्सेनाइड या मैंने बता दिया आपको, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, एलईडी के साथ रजिस्टर आर को लगाया जाता है, जो डायग्राम में था नहीं पर वैसे आर को लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आर लिमिट्स द करंट थ्रू द एलईडी। तो आप करंट को ज्यादा ही अगर कर देते हैं तो एलईडी को, मतलब आप बेसिकली करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आर को ज्यादा, आर के हेल्प से आप एलईडी के अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन बताता हूं। तो आपने दो लाइनें लिख देनी है इसमें कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, तो मेजोरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन, इनका रिकॉम्बिनेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ photons. तो photons with energy equal to or slightly less than the band gap are emitted and when forward bias of the diode is small, intensity of the light is small. तो अगर आप जो biasing कम रखते हो, current कम रखते हो, तो जो light है वो कम निकलती है, लेकिन अगर आप current को बढ़ाते हो, intensity increase होती है, LED ज़्यादा चमकेगी and reaches the maximum. मतलब अगर current बढ़ाते हो तो LED में light ज़्यादा निकलेगी, maximum current निकलेगा, maximum current पे maximum light निकलेगी intensity. पर फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, एलईडी में अगर आप करंट बढ़ाते हो तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, और अगर आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा देते हो तो बढ़ने की बजाय इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो एलईडीज आर बायस्ड सच दैट द लाइट एमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो बेसिकली ऐसा क्यों, कम क्यों जाती है, क्योंकि फिर हीटिंग अफेक्ट हो जाता है और टेम्परेचर एलईडी का बढ़ जाता है और उड़ भी जाएगी अगर ज्यादा कर दोगे तो, कंट्रोल्ड वे में करनी है। ठीक, तो एलईडी के करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज, करंट इसमें मिली एम्पियर है, तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो भी कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की एलईडीज कैन बी जनरेटेड, डिफरेंट कलर्स आएंगे। तो ये मतलब जैसे एक अप्रोक्सीमेट पैटर्न है, तो ये आपको करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। इस साल 2019 में एलईडी पे 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, एलईडी के बारे में लिखो, तो आप लिख सकते हो एलईडी क्या चीज है, एलईडी के बारे में बैंड गैप्स में लिख सकते हो, मटेरियल्स आप लिख सकते हो, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होता है, बीच में प्रोसेस भी समझाना, फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, दो लाइनें वो लिख दी,
फिर रिकॉम्बिनेशन में शो कर दिया, फोटो निकल गए, फिर इसमें इंटेंसिटी का लिख दिया, तीन नंबर में लिखने के लिए बहुत कुछ है यार, उसमें ग्राफ बना दिया। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलईडी, कलर ऑफ एलईडी एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन बैंड गैप एंड सेकेंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज डिटरमाइंड बाय द फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय द पीएन। फॉरवर्ड करंट पे डिपेंडेंट है कि करंट अगर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल है। सोलर सेल हमने कर लिया था, सोलर सेल हमने कर लिया। सोलर सेल में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर सिलिकॉन एंड GaAs आर प्रेफर्ड मटीरियल फॉर सोलर सेल्स। अभी किया था हमने तो गैलियम आर्सेनाइड किया था, अभी हमने क्यों प्रेफर किया GaAs, तो इसका आंसर आपने ये लिखना है कि आप अगर ग्राफ देखें किसका, सोलर रेडिएशन का, इंपॉर्टेंट, ये लाइट को स्टडी किया जा रहा है। जो सोलर की रेडिएशन यहां पे आती है अर्थ के ऊपर, तो सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है और जो एनर्जी है उनमें ये देखा गया है कि ये नंबर है इंटेंसिटी का, नंबर नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये देखा गया है कि ज्यादातर नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम सोचते हैं कि सारे फोटोन इक्वल एनर्जी के होते हैं, नहीं होते। जो रेडिएशन गिरती हैं उनमें कुछ फोटोन कमजोर भी होते हैं, 0.9, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कुछ 1.5 के भी होते हैं और कुछ 3 के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अमाउंट किसका होता है, फोटोन का, जिनकी एनर्जी 1.5 और इस रेंज में होती है। तो हम ऐसा मटेरियल यूज करना चाहते हैं जिसका बैंड गैप 1.5 के आसपास हो, क्योंकि ज्यादातर फोटोन अगर इस एनर्जी के हैं, इस रेंज में, तो हम मटेरियल ऐसा यूज करेंगे ताकि नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा टूटे। सोलर सेल में जितने टूटेंगे उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा, और उनमें ये बेस्ट मटेरियल है। तो यानी कि हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फोटॉन्स की एनर्जी। तो फोटॉन्स की एनर्जी के बेस पे वी कैन सिलेक्ट कि ये मटेरियल बेस्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इनके साथ जिनका बैंड गैप है उनके साथ मैच करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और ये करेक्टरिस्टिक फिर कॉम्पिटिशन में आया, मेन्स या नीट में किसी, एक एक बार सारे ग्राफ आए हुए हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, जिसमें करंट और वोल्टेज है। आप एक चीज देखो, सोलर सेल में जब जब आप सोलर सेल यूज कर रहे थे तो वो इलेक्ट्रोड है, तो वहां माइनस है और नीचे प्लस है, पूरा दिन माइनस प्लस इकट्ठे होता जाता है। जब आप उन्हें ज्वाइन करते हैं प्लस और माइनस को, आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब आपने पाथ बना दिया, तो उस टाइम करंट निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स को जो है कंबाइन करने के लिए आएंगे। जब आपने उनको ओपन छोड़ा हुआ है तो V मैक्सिमम है, करंट उस टाइम जीरो है, पर जब आप क्लोज कर देंगे, P और N को ज्वाइन कर देंगे, तो करंट कम होता होता करंट बढ़ता 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 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है, डायग्राम करंट और वोल्टेज की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये आपके डायोड्स हैं। यहां तक क्लियर है?